हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद लेकर के आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिलीट अनवांटेड कमेंट्स इन योर वेबसाइट, इन योर एनी ब्लॉगिंग वेबसाइट और इन योर एनी सर्विसिंग वेबसाइट इन जस्ट वन मिनट। अगर आपकी वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे अनवांटेड कमेंट्स हैं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी सर्विस वेबसाइट के ऊपर हो चाहे ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको एक चीज़ नज़र आती होगी वहाँ पर कि आपकी जो कमेंट सेक्शन के अंदर है वहाँ पे कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 25,000, कभी 30,000 कमेंट्स आपके मॉडरेशन के लिए रहते हैं, चाहे आपके अप्रूव्ड हो चुके होते हैं। कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसमें ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर वो मॉडरेशन के लिए रहते हैं। तो उसको आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं एक साथ, इसके लिए आपको अपनी सेटिंग्स के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। सेटिंग्स को चेंजेस करने के बाद आपको कुछ मैन्युअली पार्ट करना होगा जिससे आप अपनी वेबसाइट के सारे कमेंट्स इजी तरीके से रिमूव कर पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट। उससे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त वाले दिन आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर और जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने ये अनवांटेड जो कमेंट्स हैं उसको इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है। डैशबोर्ड के ऑप्शन के नीचे यहाँ पे आपको पोस्ट, मीडिया, पेजेस और यहाँ पे आपका कमेंट्स का ऑप्शन शो कर रहा है और यहाँ पे आपकी एक काउंटिंग लिखी आ रही है, देख सकते हैं 4916 यानी 4916 तो इतने कमेंट आपके मॉडरेशन के अंदर है। तो ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे वर्डप्रेस को किस तरीके से इसमें यहाँ पे अपनी साइट में ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अगर आपने ये सारी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी को देख सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे गूगल सर्च कंसोल ऐड कर सकते हैं, कैसे एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं, उसका कोड कहाँ पे ऐड किया जाता है, आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कमेंट्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेंगे कि टोटल कितने आपके कमेंट्स यहाँ पर आपके प्लेस हैं। कमेंट्स देखेंगे तो 33,543 करके कुछ कमेंट्स आपके यहाँ पे टोटल हैं। अगर माइंड यानी मेरे खुद का कमेंट की बात करूँ तो मेरा टोटल 1 कमेंट है। अगर पेंडिंग की बात करता हूँ तो पेंडिंग के अंदर 4,916 आपके जो कमेंट्स हैं वो पेंडिंग है। और अगर बात करूँ अप्रूव का मतलब होता है जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर अभी शो कर रहे हैं। जैसा मैं आपको वेबसाइट के ऊपर दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको एक पेज ओपन कर रखा है, ये वेबसाइट है जीमेल, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड सभी आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, क्या चीज़ खाने से आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोटल 66 कमेंट्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के लोग यानी अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके में यहाँ पे देख सकते हैं। कोई चाइनीज वेबसाइट है, जैपनीज भी हो सकती है, लैंग्वेज नहीं पता है, चाइनीज है, जैपनीज है। तो यहाँ पे इसके कई सारे कमेंट्स आ रखे हैं, देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे आपको अलग अलग बहुत बेकार कमेंट्स भी हैं, इन्वेस्टिगेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से ये अनवांटेड कमेंट है जिसको आपको ये स्पैमिंग आपकी वेबसाइट के ऊपर ये स्पैमिंग को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसकी स्पैमिंग को रोकने के लिए यानी मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कई सारे अनवांटेड कमेंट है और अगर मैं अनवांटेड कमेंट्स में अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू इश आ जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बॉटम साइड में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक URL नजर आएगा। ये जो URL है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एक एक्सटर्नल लिंक कनेक्ट करता है जो आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी जो अथॉरिटी को बाईपास करता है। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, नो ओपनर नो फॉलोवर ये इस करके, तो उस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कमेंट्स में यहाँ पे शो कर दूंगा। ठीक है, या आपको पिन मिल जाए यहाँ पर ऊपर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख सकते हो तो यहाँ पे कुछ अनवांटेड यहाँ पे अगर हर एक कमेंट्स में देखें हर कमेंट्स में आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा, यानी उन्होंने अपनी जो है अपनी वेबसाइट को लिंक किया हुआ है एक्सटर्नल लिंक और ये आपका एक डू फॉलो बैकलिंक होता है। डू फॉलो और नो फॉलो क्या होता है उसको भी आप जाकर के हमारी प्लेस में देख सकते हैं। यहाँ पे डू फॉलो और नो फॉलो करके आपका बैकलिंक होता है, तो यहाँ पे इसमें डू फॉलो बैकलिंक यहाँ पे हमने अगर पास किया होता तो यहाँ पे नो फॉलो करके करता, लेकिन ये डू फॉलो बैकलिंक है जिससे आपकी जो अथॉरिटी है वो पास हो रही है बाई ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इन सभी कमेंट्स को हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको
वर्डप्रेस पे आएंगे दोबारा से। वर्डप्रेस पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करते वक्त यहाँ पे टोटल आपके 20 ऐसे प्लेस हैं, ये 20 ही कमेंट्स हैं जो आपके सिलेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक साथ सारे कमेंट्स डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी अगर वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बल्क ऑप्शन है, अप्लाई करने का ऑप्शन है, कमेंट का फिल्टर का, यहाँ पे कमेंट सर्च करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीज़ आप क्या करेंगे, आप आपकी 28 मान लीजिए ये अप्रूव्ड कमेंट है जो आपकी ये वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो इस अप्रूव कमेंट को हम किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट से मूव करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अप्रूव सेक्शन के अंदर आ गया। अप्रूव सेक्शन के अंदर आने के बाद ये टोटल 20 ही कमेंट्स हैं। इन कमेंट्स को आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस नजर आ रहा है, स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे 20 की वैल्यू है, 20 की वैल्यू की जगह यहाँ पे आप 999 क्लिक कीजिए। क्योंकि 999 क्यों, क्योंकि 999 से ज़्यादा ये कमेंट शो नहीं करता है, तो मैक्सिमम जो कमेंट है वो 999 ही होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट भी रखेंगे, एक्सटेंडेड भी नहीं रखेंगे, ऑथर इन रिस्पॉन्स सबमिटेड ऑडियंस, तीन तरीके के कमेंट्स आपको शो करेंगे। यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये आपको थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये जो सारे कमेंट्स हैं ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आपके कमेंट ही कमेंट लोड हो रहे हैं, देख सकते हैं लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपके कमेंट्स जो है कंटिन्यूअसली चले जाते हैं, तो ये 1000 के अराउंड आपके जो कमेंट है, यानी 999 करके आपके कमेंट है। इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप ऑथर पे क्लिक करेंगे। ये ऑथर पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये लोड ले रहा है 1000 कमेंट्स का। ठीक है, तो कमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑथर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने भी ऑथर वाले होंगे वो सारे के सारे क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, लोड ले रहा है, काफी सारा लोड ले रहा है, क्योंकि 1000 कमेंट पे आपको एक साथ क्लिक नहीं दे रहा है वो। मैं इसको एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कमेंट्स को मूव करेंगे, यहाँ पे मैं पहले देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, बल्क एक्शन पर क्लिक करेंगे, मूव टू प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1999 आपके जो कमेंट्स है शो कर गया, लेकिन आप 99 कमेंट्स को एक साथ नहीं डिलीट कर सकते। ठीक है, करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोड बहुत टाइम ले रहा है। तो इसको मैं एक बार 500 करके देखूंगा, 500 करके अप्लाई करूंगा। 500 करके अप्लाई करने के बाद अगर ये सिलेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कमेंट्स जो है 1000 करके कनेक्ट लेना बहुत टाइम ले रहा है। अब मैं इसको ऑथर पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ऑथर पे क्लिक करने के बाद कितना टाइम लेता है। ये क्लिक करने के बावजूद भी ऑथर पे सभी का सभी ऑथर पर क्लिक नहीं दे रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे टोटल 999 यानी 1000 के नियर बाई आपके जो कमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टोटल ऑथर को या बल्क एक्शन के अंदर तो आपके लिए सिलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये 99 की जगह कम से कम जो है आप अपने वैल्यू डालें 350 के नियर अबाउट, ताकि आपकी जो वेबसाइट के अंदर जो कमेंट्स हैं सिलेक्ट हो पाए। यहाँ पे सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा हुआ है, सिलेक्ट नहीं हो पाते। यहाँ पे आप नियर अबाउट 350 या 300 के नियर अबाउट डालेंगे तो इतने एक साथ आपके जो कमेंट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई हो गया, ये 350 नियर अबाउट कमेंट आ गए हैं। अब यहाँ बल्क एक्शन पर अगर क्लिक करेंगे तो मूव टू प्रेस, मूव टू प्रेस करने के बाद यहाँ ऑथर पे क्लिक कीजिएगा। ऑथर पे क्लिक करते ही जितने भी आपके ऑथर वाले सेक्शन हैं या जितने भी आपके जो कमेंट हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद क्या कर देंगे आप, इसको अप्लाई, यहाँ पे आप प्रेस देख सकते हैं, प्रेस आपका 60 है, और जैसे ही मैंने इस पर अप्लाई किया तो ये 350 प्लस 60, यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आपका ट्रेस जो है 60 था, लेकिन अभी यहाँ पे 310 हो गया है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से दोबारा से ऑल सेलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मैनुअल एक्शन को अप्लाई करने में। तो इस तरीके से क्या है, आप जितने भी अपने URLs हैं उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फटाफट। अपनी वेबसाइट से जितने भी कमेंट्स हैं आप उसको क्या करते हैं, ट्रैस में डाल सकते हैं। सारे के सारे जितने कमेंट्स हैं वो आपके रिमूव होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन सभी को रिमूव कर देता हूँ। तो जैसा कि हम देख चुके हैं 999 अपने जो कमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपके जो कमेंट्स हैं हमने चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो काफ़ी लोड दे रहा था। अब हम उसको चेंज कर रहे थे 500 के ऊपर, 400 के ऊपर, 300 के ऊपर। हमने उसको ट्राई किया और हमने काफ़ी सारे डिलीट कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ के साथ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आपके जो कमेंट हैं मैंने डिलीट कर दिए 16,000 यहाँ पे एक साथ, और अभी 12,000 बाकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को इजी तरीके से फटाफट जो आप डिलीट कर सकते हैं।
ये वर्डप्रेस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे लोड कितना है, चीजें हैं। अगर आपका वर्डप्रेस पे लोड नहीं है ज्यादा तो आप क्या कर सकते हो, 1000 कमेंट्स एक बार में जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका इतना नहीं हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, 500-400 करके आप उसको फटाफट जो है डिलीट कर दीजिए मैनुअली, तो आपके ये सारे के सारे कमेंट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, उसके बाद जो है प्रेस में आना है। प्रेस में आने के बाद यहाँ पे जितने भी आपके जो कमेंट हैं प्रेसेस के अंदर, यहाँ पे आपको एम्प्टी ट्रेस कर देना है। एम्प्टी ट्रेस कम्प्लीट करते ही आपका जो ट्रेस का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर कुछ आपके जो कमेंट है वो आपके अप्रूव सेक्शन के अंदर है और उन सेक्शन के अंदर आपको कुछ स्पैमी भी आपको नजर आता है, तो आप उसको स्पैम फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हैं ताकि आपकी जो स्पैमिंग का चीज है वो आपकी खत्म हो जाए। ऐसे करके आप अपने जितने भी कमेंट्स हैं उसको रिलीज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, साथ के साथ अगर देखें तो यहाँ पे आपके कुछ कमेंट होंगे वो ठीक भी होंगे, अच्छे कमेंट होंगे, तो उस चीज को जरा ध्यान दीजिए जो नॉन आपके बैकलिंक से। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फैंटास्टिक इश्यू ऑल टुगेदर, यू कैन सिंपली रिसीव अ ब्रांड न्यू रीडर, व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट योर पोस्ट दैट यू मेड अ फ्यू डे अगो, आर यू श्योर। तो ऐसे कुछ कमेंट होंगे जिस पर लिंक कनेक्ट नहीं होंगे, उन कमेंट्स पे क्या है आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर रख सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर दिस पोस्ट इज इन फैक्ट अ गुड वन असिस्ट न्यू न्यू वेब विजिटर हु आर मिसिंग इन फेवर ऑफ ब्लॉगिंग। तो ऐसे कई सारे ब्लॉग्स के जो कमेंट्स हैं वो आपके अच्छे अच्छे भी होंगे, तो उनको भी क्या कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के सारे कमेंट्स रीड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे वर्डप्रेस की और भी सारी चीज़ें नहीं देखी है, कैसे आपको सारी चीज़ें होगी, तो आप वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में जाकर उसको तो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।